लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्रकल्पग्रस्तों के इस साखली आंदोलन में अगर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं तो नौजवान भी हैं, लोक प्रतिनिधि भी हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता निशांत भगत हैं। मैं उनसे ही जानने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली दीबा पाटिल का नाम दिया जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या कहेंगे निशांत? जिस जमीन में जो हमारे कद्दावर नेता और इस देश के और राज्य के नेता स्वर्गीय लोक नेता दीबा पाटिल साहब, जिन्होंने संसद में और विधान भवन में अपने कार्यों की छाप छोड़ी थी और बहुत सारी ऐसी शासकीय योजनाएं उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू जो अपने देश में और राज्य में लागू की थी, उसका कार्य और उसके बदले में अभी हम सब युवाओं इकट्ठा होके जो जमीन में उनकी पैदाइश है, वही जमीन में अभी हवाई अड्डा तैयार होने जा रहा है। तो वही जमीन में हवाई अड्डा तैयार होने वाले वो हवाई अड्डे को नाम स्वर्गीय लोक नेता दीबा पाटिल साहब का दिया जाए, ये हमारी सबसे पहले मांग है। उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य के बदले में गवर्नमेंट क्या दे सकती है, तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मैं सभी युवा साथियों के तरफ से उनके तरफ से एक मांग रख रहा हूँ कि ये होने वाले हवाई अड्डे को नाम दीबा पाटिल साहब का ही दिया जाए, क्योंकि जो 12.5% की स्कीम जो उन्होंने ये जमीन के ऊपर लागू की, साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे युवा है कि जिनको केंद्र राज्य सरकार की जो सिडको जो महामंडल है उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी करने का जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था, बहुत सारे ऐसे काम है कि उन्होंने जो काम किए उसके बदले में आज हवाई अड्डा को नाम देना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज मानवी साखली का आयोजन किया हुआ है। जो विकल्प सरकार दे रही, जो अल्टरनेटिव सुझा रही है, वो क्या आपको मंजूर है क्या? वो विकल्प नहीं है एक्चुअली, जो एक बेटे का पिता के तौर पे एक प्यार होना चाहिए वो प्यार है। वो एज ए मुख्यमंत्री जो उन्होंने जो डिसीजन लेना चाहिए वो एज ए सीएम डिसीजन नहीं ले रहे, खाली बस एक मैं किसी का बाला साहब ठाकरे का मैं लड़का हूँ तो उनके प्रति मैं अपना पिता का प्रेम व्यक्त करने का वो काम कर रहे। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो लोक नेता दीबा पाटिल साहब का जो काम है वो काम को नज़रअंदाज कर रहे, वो बहुत ही गंभीर मामला मेरे को लग रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो आप सीएम की कुर्सी आप बैठे हो उसमें एक सर्वसामान्य नागरिक की भावना क्या है वो देख के उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है।